नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस गंभीर दिख रही है। उसकी तरफ से लगातार लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने के साथ ही चेकिंग कर लोगों को नियम कानून बताने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को परिवहन विभाग के साथ सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चलाए जा रहे अभियान में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 67 वाहनों का चालान करने के साथ ही लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया। यातायात प्रभारी ने बताया कि वाहन चेकिंग में बिना हेलमेट 3 सवारी सहित अन्य अनियमितता वाले 65 वाहनों का चालान किया गया, जबकि काली फिल्म में 2 चार पहिया वाहनों का चालान किया गया। कहा कि चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। कासिमाबाद थाना पुलिस ने शनिवार की देर रात क्षेत्र के गोधनी पुलिया के पास एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। बता दें कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के मद्देनज़र वरिष्ठ उप निरीक्षक फूलचंद पांडे हमराहियों के साथ रात में क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान करीब 11:30 बजे क्षेत्र के गोधनी पुलिया के पास से एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उसके पास 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्त में आया अभियुक्त क्षेत्र के उपधि मुबारकपुर निवासी आशीष सिंह है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अभिराज सरोज, कांस्टेबल धीरेन्द्र पांडे, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल उपेंद्र गोड़ और कांस्टेबल सूरज कुमार शामिल थे। गहमर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव को लेकर भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति एवं रेल ठहराव समिति के सदस्यों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 8वें दिन रविवार को भी जारी रहा। इस मौके पर समिति के सदस्यों ने 26 जुलाई को आयोजित रेल चक्का जाम संबंध में प्रेस वार्ता की। समिति के अध्यक्ष मार्कंडे सिंह ने कहा कि मैंने पत्रक के माध्यम से, सोशल मीडिया एवं प्रदर्शन के माध्यम से रेलवे के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अपने स्टेशन पर बंद हुए ट्रेनों के पुनः ठहराव की मांग की है, लेकिन रेलवे के उच्च अधिकारी मौन साधकर हमारी मांगों को दरकिनार कर रहे हैं। इसलिए हम पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत 26 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से रेल ट्रैक को जाम कर अपनी मांगों को रखेंगे। इस अवसर पर कामदेव सिंह, अमित सिंह, शिवानंद सिंह, कुणाल सिंह, आनंद मोहन, अभिषेक सिंह, शशि सिंह, महेंद्र उपाध्याय, शिवानंद सिंह आदि मौजूद रहे। विकास भवन सभागार में 27 जुलाई को अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक होगी। यह जानकारी संगठन के जिलाध्यक्ष मदन यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में जिले के ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इसके समाधान के लिए संगठन द्वारा CDO, DPRO तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कहा कि ग्राम प्रधानों का शोषण उत्पीड़न किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों से बैठक में शामिल होने की अपील की है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जिला इकाई की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पिछड़ी जाति के लोगों की जातिवार गणना कराई केंद्र सरकार। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पिछड़ी जातियों की जनगणना जातिवार कराने के लिए केंद्र सरकार हमेशा पीछे हट जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल पिछड़ी जाति के बड़े नेता और मंत्री गूंगे और बहरे हो गए हैं। वह अपनी और अपने समाज की बात सरकार के सामने नहीं रखते हैं। वह डरते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी। कार्यक्रम में जखनिया विधायक त्रिवेणी राम सहित कई नेता मौजूद थे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।